ये गेम है जानोस सुदुस्ता और मिखाइल ताल के बीच में। इस गेम का नाम है इन द ताल ग्रास। उपसाला में खेला गया था, 1956 की बात है। मिखाइल ताल ब्लैक पीसेस के साथ हैं और सुदुस्ता है वाइट पीसेस के साथ। सुदुस्ता ने D4 चला है, नाइट बाहर निकालते हुए ताल। किंग्स इंडियन लगता है ताल खेलेंगे इस बार। सेंटर के तीन काफ़ी दमदार पीस पॉन्स आगे बढ़ाते हुए सुदुस्ता। सेंटर खोल नहीं रहे हैं सुदुस्ता। ये देखिए क्या गेम है, मिखाइल ताल ने अपने नाइट को ही दे दिया है। क्या सुदुस्ता इस नाइट को ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे, कौन छोड़ेगा ऐसा नाइट? और ऐसा क्यों किया कोई नहीं जानता। मिखाइल ताल कब कौन सा पीस सेक्रीफाइस कर दें। बिशप को पिन करते हुए देखिए राजा से बच, राजा को हिला लिया है सुदुस्ता ने। मिखाइल ताल ने बिशप के बदले में अब अपना रुक दे दिया। नाइट से चेक, दूसरा नाइट भी सेक्रीफाइस कर दिया। अब जाकर कोई पीस तो लिया मिखाइल ताल ने, ये नाइट को लिया है अब। और एक डिस्कवर चेक की तैयारी चल रही है ताल की, तो इस बिशप को लिया सुदुस्ता ने। क्या चाल अब हो सकती है ताल की तरफ से? क्या आप यहाँ पर कोई गणना कर पा रहे हैं? चेक, डबल चेक है, तो फिर राजा को ही हटाना होगा, क्योंकि आप देखिए किस तरह से मिखाइल ताल ने अपने रुक को भी दे दिया है। सब कुछ लुटा दे रहे हैं ताल, कोई पीस नहीं छोड़ेंगे अब बाकी। और ये किसी हिंदी पिक्चर की तरह ये बिशप हीरो बन के निकला और सीधा चेक देने के लिए राजा को। राजा पीछे गया, दोबारा चेक। अब ये कहाँ जाएगा राजा? राजा के लिए कोई जाने के लिए स्क्वायर बचता है? सारे स्क्वायर अभी घेर रखे हैं मिखाइल ताल ने। इस बिशप से डिफेंस किया गया। ये आया हाथी इस बिशप को लेने के लिए और फिर चेक भी दे दी। राजा से लिया नहीं जा सकता। और इसके बाद सुदुस्ता ने रिज़ाइन कर दिया। गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिजाइनेशन क्यों आया है। फिलहाल चाल है सुदुस्ता की। आप वीडियो को पॉज करके खोजने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा। सुदुस्ता चल सकते हैं, इस रुक को लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चेक मिल रहा है यहाँ पे सीधा सीधी। ये जो है ये चेक है, तो चेक को तो बचाना पड़ेगा ना पहले, उसको मिटाना पड़ेगा जो चेक दे रहा है, या फिर राजा ही लेगा। लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मिखाइल ताल को ही ले लेंगे। क्या बचेगा फिर सुदुस्ता के लिए? कुछ भी नहीं इस गेम में। इसी कारणवश यहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। फिलहाल पहले शुरुआत में तो लग रहा था कि मिखाइल ताल सब कुछ लुटा देंगे, अपना हाथी लुटा देंगे, अपना घोड़ा दे दिए थे शुरुआत में ही, उसके दूसरा घोड़ा। लेकिन मिखाइल ताल देते भी हैं तो फिर उनके पीछे काफ़ी बड़े ट्रैप्स रहते हैं जो सिर्फ ताल ही भांप सकते हैं और कोई नहीं।